ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई है। कोलकाता में कल ममता बनर्जी के निवास पर यह बैठक होगी। बैठक में कार्यकारिणी के सभी 21 सदस्य मौजूद रहेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में टीएमसी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और इस बैठक में आगे का एजेंडा तैयार किया जाएगा कि पार्टी का विस्तार, आने वाले चुनाव और संसद का सत्र कैसे, इस पर पार्टी आगे बढ़े। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और दिखाते हैं आपको, एक बड़ी खबर आपके सामने। और यहां पर सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है विपक्ष, और विपक्ष ऐसा नहीं है कि टीएमसी और कांग्रेस साथ नहीं आ रहे तो उनकी कोई तैयारी नहीं है। संसद में किसान, महंगाई समेत कई मुद्दों को उठाएगा विपक्ष। शीतकालीन सत्र में महंगाई पर भी चर्चा की मांग करेगा विपक्ष। संसद का पहला दिन ही हंगामेदार होने के आसार हैं। बिगवाल पर आपको इस बारे में और दिखाते हैं कि अपोजिशन के वो कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस पर सरकार को कुछ तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला तो मुद्दा एमएसपी कानून होगा, जो अभी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत है। किसानों का ना तो आंदोलन खत्म हुआ है, ना विपक्षी पार्टियों ने यह मुद्दा छोड़ा है। किसानों की दूसरी मांगे जो इसके साथ हैं, वो भी यहां पर संसद के सत्र में गूंजती दिखाई देंगी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया हुआ है, किसानों का भी यह मुद्दा है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाने की चीजें, इन सब की महंगाई का मुद्दा भी संसद के सत्र में देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, चीनी घुसपैठ, जो लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार चुप है, वो मुद्दा गूंज सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा और कोरोना प्रबंधन या फिर पेगासस जासूसी, ये सारे मुद्दे यहां पर सरकार को झेलने पड़ सकते हैं। राजीव जेटली, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जेटली, देखिए, अब ये सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई, आपने अपील की विपक्षी दलों से, लेकिन आपको लगता है कि ये एमएसपी कानून और ये चीनी घुसपैठ, ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर आपको तीखे सवालों का सामना विपक्ष के करना पड़ेगा और ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको एक उनको संतुष्ट करना? देखिए, किसान भाई तो एक सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं और उनको उनके पर विश्वास है। आपने जिस तरीके से देखा कि एजिटेशन करने की बात की जा रही थी, आज किसान भाइयों द्वारा ही कहा गया कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के आश्वासन के बाद हमें काफी संतुष्टि मिली। मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए और एमएसपी के ऊपर भी हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम कोई रास्ता जरूर निकाल रहे हैं विविध खेती की तरफ ले जाकर के, हम किसानों को वो जो एमएसपी की मांग है उसकी भी कहीं ना कहीं हम पूर्ति करेंगे। आप देखिए, जहां पर हम पूरी तरह से किसान और हमारे बीच में एक बेहतर संवाद हो रहा है और संवाद से हल भी निकलते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में संसद में वो संवाद कैसे होगा? सर जल्दी से 20 सेकंड। नहीं, ये तो दीवार है, आप इसको पार्टी ना बोले, कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है, ये दीवार है इस देश की तरक्की के बीच में, ये दीवार है इस देश के किसान के उत्थान के बीच में। ये किसी भी इसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहते और मुझे लगता है ये देश चल रहा है। जिसको दीवार कह रहे हैं वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मेरे पास समय नहीं, आलोक शर्मा, मेरे पास 10 सेकंड, मैं टाइम से ज्यादा आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे मुद्दे पर जाना है। 10 सेकंड आप, क्योंकि आप कह रहे हैं आपको कुछ बोलना है। पद है कि किसान जो है वो सरकार के साथ है। 1.5 वर्षों 10 लाख किसान सड़कों पर बैठा है, 700 से ज्यादा शहादत हो गई और तब भी बीजेपी को लग रहा है कि किसान उनके साथ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।